नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अब इन 24 न्यूज। दोस्तों इस समय पश्चिमी बाईपास की नहर में खड़े हैं और यहां पर आप देख सकते हैं एक नील गाय का छोटा सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा, जिसे फिलहाल आप देख सकते हैं जो गोताखोर है उन्होंने काबू किया। यहां पर जो है नहर के अंदर पहले भी कई बार इस तरीके से जो नील गाय कई बार देखी गई है। बाकायदा इस तरीके से जो है कई बार जान बचाने के लिए लोगों ने प्रयास भी किया, लेकिन इस तरीके से जो है कई बार देखा जा चुका है कि जो नील गाय है वो झाल में जाकर जो है, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर मैं आपको दिखाऊं सामने की तरफ एक झाल है जहाँ पर गिरने पर जो है सीधा सीधा जो है वो मौत हो जाती है जानवरों की। हालांकि फिलहाल इसे रस्से से बांध कर जो है फिलहाल लाया जा रहा है। और यहाँ पर बता दें कि ज़्यादातर नील गाय जो है ये जंगलों में ही होती है। और अभी फिलहाल जिस तरीके से जो बता दें कि जो आप देख सकते हैं कि जो नील गाय है का बच्चा है उसे फिलहाल जो है यहाँ से बाहर जो है अभी निकाला गया है। ये आप देख सकते हैं फिलहाल कैमरे के ऊपर बिल्कुल नज़दीक से कैमरे पर आप देख लीजिए नील गाय का जो ये बच्चा है किस तरीके से फिलहाल उसे उन्होंने काबू किया। हालांकि ये इंसानी हाथों में बड़ी मुश्किल से आता है। जो गोताखोर है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल नील गाय का एक छोटा सा बच्चा आप देख सकते हैं इस समय गोताखोर जो है उनके हाथों में है और उसे फिलहाल उसकी जान बचाने के लिए खुद की जान को फिलहाल जो है वो खतरे में डालते हैं, आप समझ सकते हैं। और बाकायदा सर्दियों का समय है, काफ़ी ठंडा पानी है और इसके लिए काफ़ी मशक्क़त की है इन्होंने क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा इन्हें भगाया है कायदा इधर से उधर, कभी उधर से तो इधर, यानी कि काफी देर से वो लगे हुए थे और तब जाकर उन्होंने इसे काबू किया। हां जी, क्या कुछ कहेंगे प्रीत, आप कितनी देर से इसको पकड़ने का प्रयास कर रहे थे और कब देखा आपने इसे? सर मेरे पे सुबह 6 बजे के 6:30 बजे के आसपास फोन आया था। 6:30 बजे? हां जी, तो उन्होंने बोला था यहां पर दो गायें हैं, एक नील गाय का बच्चा था और एक आगे रेलवे ट्रैक के नीचे गायें हैं बड़ी। ठीक है, तो हम जैसे ही 7 बजे यहां पहुंचे तो 7 बजे कम लगे हुए थे अब इसको काबू किया गया। 7 बजे के आप अभी तक जो है वो लगे हुए थे? जी जी बिल्कुल, इसको अभी काबू तो बता रहे पानी में कई बार, क्योंकि पानी कम है अब इधर से उधर जो है वो छलांग लगा कर ये जो नील गाय काफी फुर्तीली होती है, काबू नहीं आती है। अच्छा। ये इंसानों से बहुत डरती है। हाँ, तो इसको जब हम पकड़ने जाते थे कभी सेंटर में चल जाती है, कभी आगे बाहर जाती है, बहुत मुश्किल से पकड़ा गया। कहाँ से आ जाती है, आसपास कोई जंगल है जहाँ से आती है? नहीं सर, ये एक्चुअली रहायशी इलाकों में बढ़ जाती है और ये इंसानों के डरने के कारण भागती भूगती नहर में गिर जाती है। तो फिलहाल जो है अभी से निकाले गए, अभी फिलहाल आगे से कहाँ पर ले छोड़ेंगे, अभी कैसे? अभी एक बार गौशालाओं में बात करेंगे, थोड़ा अगर इसको ज्यादा कोई दिक्कत होगी ट्रीटमेंट किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद इसको बड़े जंगल में चोटें लगी हुई हैं। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, इसको ट्रीटमेंट किया जाएगा जी, इसका। और यहाँ पर जो है फिलहाल आप देख लीजिए काफी देर से सुबह के 7 बजे से वो इसे निकालने का प्रयास कर रहे थे 7 बजे से, और आप देख लीजिए फिलहाल झटपटा रहा है ये बच्चा, लेकिन कोशिश इनकी यही है कि फिलहाल ये दोबारा नहर के अंदर ना गिर जाए, इसलिए इसे बड़े प्यार से जो है अभी बकायदा उनके पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी में उसे साथ जो है फिलहाल ये ले जाएंगे और गौशाला में देकर इसे इसका ट्रीटमेंट जो किया जाएगा। आप इसे अपनी ही गाड़ी में ले जाएंगे फिलहाल? हाँ जी हाँ जी, अपनी गाड़ी के अंदर ले जाएंगे और उसी में ही फिलहाल ले जाकर गौशाला के अंदर उसे लेकर जाया जाएगा, ताकि इसे कुछ चोटें जो है फिलहाल इसे लगी हुई हैं। और यहाँ पर फिलहाल और बता दें कि सुबह 7 बजे से जो है ये लगे हुए थे, और लोगों से अपील करेंगे अगर कभी भी आप नहर किनारे ऐसा कोई भी जो जानवर आप देखते हैं आप संपर्क जरूर करें, बकायदा आई बी 24 को भी कॉल कर सकते हैं और साथ के साथ जो है आप जो है जो गोताखोर होते हैं उन्हें भी बता सकते हैं। कुछ और गोताखोर हैं जी, आप भी साथ में हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? सर कृष्ण नाम है। तो ये आप भी मतलब आप कब से जुड़े और कब से आप? सर मैं 6 महीने से इनसे जुड़ा हुआ हूँ गुरप्रीत से, तो ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं तो मैं भी इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जी 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 जी। और हमने 7 बजे से इनसे बहुत मुश्किल से इसको निकाला है, बहुत चंचल होते हैं छोटे बच्चों की तरह, बहुत प्यारे होते हैं ये, लेकिन डरते हैं इंसानों से। डरते हैं? हाँ जी, इंसानों से डरते हैं, इसलिए ये बीच में काफी देर से भागी जा रहा था बार बार छोटे छोटे के। जो बड़ी नील गाय उसे तो काबू करना बहुत ही मुश्किल हो उसको जाता है। तो बहुत मुश्किल होता है सर, वो बहुत मुश्किल। हाँ जी, ये बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, चंचल होते हैं, डरते हैं, इसलिए इनको भी काबू करना बहुत मुश्किल है। तो इसको भी 1.5-2 घंटे से बड़ी मुश्किल से काबू किया। गौशाला लेकर जाया जाएगा? गौशाला लेकर जाया जाएगा इनको, जो भी इसका ट्रीटमेंट होगा वो करवा के फिर इसको जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। जी जी जी। और यहाँ पर इसे जंगलों में छोड़ दिया जाएगा, कहीं पर भी देखे इस तरीके से कोई भी नील गाय का बच्चा या कोई भी ऐसा जानवर तो आप सीधा गोताखोरों को आप संपर्क कर सकते हैं या आईबीन 24 को कॉल भी कर सकते हैं। और आपसे अपील भी है इस वीडियो को शेयर करें, देख सकते हैं फिलहाल नज़दीक से हमने तो पहली बार जो है नील गाय का बच्चा देखा है। हालांकि आगे जो है बता दें कि कई बार जो प्रयास है उसे बचाने का किया जाता था नील गाय को, लेकिन बड़ी शायद ही कभी जो है कोई ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल हो पाता है, क्योंकि जब बड़ी नील गाय होती है इसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आज जो है फिलहाल ऑन द कैमरा आप देख पा रहे हैं कि नील गाय के बच्चे को फिलहाल काबू कर लिया गया, अब इसे लेकर जाया जाएगा गौशाला में। और तो आप देख सकते हैं कि जो नील गाय का बच्चा है फिलहाल इसे बाहर जो है यहाँ से लाया गया है, अभी फिलहाल इसे इस गाड़ी के अंदर जो है फिलहाल
लेकर जो है वो जाया जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि नील गाय का बच्चा बकायदा जो है डरा भी हुआ है, लेकिन इसे पीछा छुड़ाने का जो है ये प्रयास कर रहा है, कहीं अपनी जगह जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन फिलहाल इसकी चिकित्सा जो है एक बार होनी जरूरी है। और ऐसे इसे सड़कों पर हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इस तरीके से जो है अगर इसे इस तरीके से छोड़ दिया तो यहाँ पर काफी तेज रफ्तार जो वाहन है वो यहाँ आते हैं, तो ऐसे में इसकी जान को भी खतरा जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पर फिलहाल देख रहे हैं कि जो उसे प्यार जो है करके उसे सहलाया जा रहा है, ताकि उसका जो डर है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। और उसके बाद जो है फिलहाल इसे नील गाय के बच्चे को जो है फिलहाल चिकित्सा के लिए जो है लेकर जाया जाएगा। कुछ चोटें जो है इसे लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल काफी सराहनीय कार्य है जो गोताखोरों की तरफ से है। और यहाँ पर फिलहाल काफी डरा हुआ है बच्चा, और फिलहाल जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं लगभग बता दें कि सुबह के 6 बजे से जो है जानकारी मिलती है गोताखोरों को कि यहाँ पर एक नील गाय का इस तरीके से बच्चा है, और अभी जो है फिलहाल ये काफी डरा हुआ है और इसे फिलहाल काबू करना कहना कि थोड़ा मुश्किल जरूर है, क्योंकि जो काफी फुर्तीला है, काफी तेज है, और यहाँ पर फिलहाल इसे अब लेकर जाया जाएगा और फिर जो है इसकी चिकित्सा जो है वो की जाएगी। आपसे अपील करना चाहेंगे इस वीडियो को आप ज्यादा शेयर जरूर करें, फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।